हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल 2020 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग वीडियो अभी कर रहे हैं, जिस पर अप्रैल 1 से लेकर 10 अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक सिस्टमेटिक वे में नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि जो लास्ट के क्वेश्चन है वो 10 या 8 अप्रैल के होंगे, या जो पहले के क्वेश्चन है वो 1 या 2 अप्रैल के होंगे। ये 1 से 10 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हुए हैं, सारे मिले जुले क्वेश्चन है। इस वजह से 1 से लेकर आखिर तक का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट का भी वीडियो ना छोड़िएगा और ना ही एक क्वेश्चन भी छोड़िएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा अगर आपको करंट अफेयर के फायदे लेने हैं तो। और पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, विच कंट्री हैज एश्योर्ड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एलपीजी टू इंडिया। देखो अभी आपको पता ही है कि लॉकडाउन की सिचुएशन भारत में कोविड-19 के रहते चल रही है। इसके तहत ज्यादातर लोग घर में हैं और एलपीजी की सप्लाई भी इसी वजह से भारत में बढ़ जाएगी। तो भारत को अब एलपीजी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और एलपीजी इंपोर्ट के तहत भारत को एक कौन सा देश है जिसने आश्वासन दिया है कि ये एलपीजी सप्लाई में इंटरप्शन नहीं आने देंगे। जितनी भारत एलपीजी चाहता है उतनी भारत को लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये सप्लाई करेंगे। तो ये देश है सऊदी अरेबिया। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ईरान की कैपिटल है तेहरान, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग। इस टाइम पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस मिनिस्टर कौन है? ये है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। साथ में इस टाइम पर आपको ध्यान रखना है सऊदी अरेबिया के प्रिंस कौन है। सऊदी अरेबिया के प्रिंस का नाम है अब्दुल्ला अजीज सलान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस कंपनी हैज रिसीव्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नासा टू फेरी कार्गो एंड सप्लाईज टू द एजेंसीज प्रपोज्ड लूनर स्पेस स्टेशन। आपसे कह रहा है ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसको अभी नासा ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है और इनसे फेरी कार्गो की सप्लाई लेने की बात कही है। तो नासा फेरी कार्गो की सप्लाई लेगा स्पेस एक्स से। बाय द वे आपको बता दूं, स्पेस एक्स भी यूएस की ही कंपनी है और इसको 2002 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसके फाउंडर भी आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, इनका नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क ही इज द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स। इसरो आपको बताइए भारत की है, रॉस्कॉस्मॉस रशिया की है, और जापान की है जाक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिलीज्ड ₹1 करोड़ टू अ कंपनी नेम्ड। इस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है साइटेक पार्क। ये जो साइटेक पार्क नाम की जो कंपनी है, इस कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 1 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, और इस 1 करोड़ रुपए के तहत इन्होंने इस कंपनी को, साइटेक पार्क को, क्या प्रोडक्शन करने का ऑर्डर दिया है? तो साइटेक पार्क भारत सरकार को बनाकर देंगे क्या? ये बनाकर देंगे एयर प्यूरिफायर। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। कोविड-19 के चलते एयर प्यूरिफायर की भारत सरकार को जरूरत पड़ रही है। इसके लिए साइटेक पार्क को 1 करोड़ रुपए के तहत एयर प्यूरिफायर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। और बाय द वे आपको बता दूं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको 1971 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका नाम है केन सिमोरा। क्या नाम है? केन सिमोरा। ये एक कॉमेडियन थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो केन सिमोरा कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जापान से। जापान के बहुत ही फेमस कॉमेडियन केन सिमोरा का अभी हाल ही में निधन हो गया। और जापान में सरकार किसकी है? यहां पर शिंजो आबे की सरकार चल रही है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एज पर इंडिया रेटिंग? आपसे कह रहा है इंडिया रेटिंग के हिसाब से 2020 से 21 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया गया है? भारत का जीडीपी ग्रोथ इंडिया रेटिंग के हिसाब से 3.6% फोरकास्ट किया गया है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। जितने भी जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्शन हैं भारत के लिए वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। ऑलरेडी मैं आपको कई सारे बता चुका हूं, जैसे कि एसबीआई भी प्रिडिक्ट कर चुका है, वर्ल्ड बैंक भी प्रिडिक्ट कर चुका है, आईएमएफ भी प्रिडिक्ट कर चुका है, और मूडीज भी प्रिडिक्ट कर चुका है। ये सारी जितनी भी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के आपको प्रिडिक्शन ध्यान रखने हैं। तो अब इंडिया रेटिंग का आपको ध्यान रखना है।
3.6% इन्होंने 2020 से 21 के लिए जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट करी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल हैज सोल्ड इट्स एंटायर 26% स्टेक हेल्ड इन विच इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। आपसे कह रहा है इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल ने 26% स्टेक अपने बेच दिए किस भारतीय इंश्योरेंस कंपनी को। इन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 26% स्टेक अपने बेच दिए। कितने में स्टेक एसबीआई ने खरीदे हैं? एसबीआई ने इनके 26% स्टेक खरीदे हैं $310 मिलियन में, $310 मिलियन। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसको एस्टैब्लिश किया गया था साल 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में आरबीआई के नए नोटिफिकेशन के हिसाब से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं, तो अभी ये कितने परसेंट के कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद सकते हैं, इनके लिए लिमिट बना दी गई है 15% तक के कॉर्पोरेट बॉन्ड ये खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के हमारे गवर्नर कौन है? ये हैं शक्तिकांत दास। ध्यान रहे शक्तिकांत दास 25वें आरबीआई के गवर्नर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मीजर्स टेकन टू कॉम्बैट कोविड-19 व्हाट इज कॉन्टैक्ट दैट वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली। आपसे अभी कह रहा है कि हाल ही में कॉन्टैक्ट ये वर्ड न्यूज में चल रहा है, तो एक कॉन्टैक्ट है क्या बेसिकली? तो आपको ध्यान रखना है कॉन्टैक्ट बेसिकली कोविड टेली कंसल्टेशन सेंटर है। अब ये कोविड टेली कंसल्टेशन सेंटर बेसिकली है क्या? इसको स्थापित किया गया है एम्स के द्वारा, ठीक है। अब ये जो कोविड टेली कंसल्टेशन सेंटर है इसके दो मकसद है। पहला मकसद इसका यह है कि पूरे देश भर में जितने भी कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं उन सबको टेली कम्युनिकेशन के थ्रू अपडेट रखना, सबकी रिपोर्ट कलेक्ट करना, और साथ में एम्स ने इसी के तहत एक टास्क फोर्स बनाई हुई है जो कि 24/7 स्टैंड बाई पर रखी गई है कोई भी कोविड-19 केस अगर आता है तो। और एम्स आपका कहाँ है ये तो आपको पता ही है, मेन नई दिल्ली में। और ध्यान रहे ये जो कॉन्टेक्ट है इसको लॉन्च किसने किया है? इसको हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी शिफ्टेड द टोक्यो ओलंपिक्स टू विच मंथ एंड ईयर। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको IOC के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाले थे इसको शिफ्ट कर दिया है। कब के लिए? टोक्यो ओलंपिक्स को शिफ्ट कर दिया गया है July 2021 के लिए। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम अंकटाड विच कंट्री अलॉन्ग विच चाइना विल नॉट बी अफेक्टेड बाई रिसेशन। आपसे कह रहा है अभी अंकटाड की रिपोर्ट के हिसाब से, अंकटाड ने अभी एक रिपोर्ट जारी करी है इकोनॉमी के ऊपर, तो आपसे कह रहा है कि इनकी रिपोर्ट के आधार पर चाइना के अलावा ये कौन सा कंट्री है जो कि रिसेशन का शिकार नहीं होगा अंकटाड के हिसाब से? ये है भारत। अंकटाड का कहना है चाइना और भारत दो ऐसे कंट्री हैं जो कि कोविड-19 के रिसेशन का शिकार नहीं होंगे बहुत ज्यादा। और अंकटाड का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। 1964 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंकटाड को। भारत की कैपिटल आपको बताइए, नई दिल्ली, यूएस की वॉशिंगटन, इटली की रोम एंड यूके की लंदन। एज पर द वर्ल्ड साइबर प्रोटेक्शन वीक सर्वे बाय द फर्म एक्रोनिस व्हाट परसेंटेज ऑफ कंपनीज सफर्ड डेटा लॉस्ट लास्ट ईयर। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में वर्ल्ड साइबर प्रोटेक्शन वीक सर्वे के आधार पर यह पाया गया कि पिछले साल कितने परसेंट वर्ल्ड की कंपनियां डेटा लॉस का शिकार रही या फिर उन्हें सफर करना पड़ा इस चीज से। तो आपको ध्यान रखना है इनकी रिपोर्ट के आधार पर पिछले साल 42% कंपनियां पूरे वर्ल्ड की डेटा लॉस का शिकार रही। विच इंडियन पब्लिक, आपसे क्या कह रहा है? विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक अनवील्ड अ न्यू लोगो अहेड ऑफ इट्स मर्जर विद द यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड द ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अगर आपने पिछले वीडियो मेरे ध्यान से देखे होंगे तो मैंने 2019 में दो वीडियो बनाए थे बैंक मर्जर को लेकर। ये जो बैंक मर्जर उस टाइम पर हुए थे वहां पर 10 बैंकों को मर्ज करके 4 बैंक में केवल कन्वर्ट कर दिया गया था और उसी के तहत भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक केवल 12 बचे थे, जिनको नेशनलाइज बैंक आप बोल सकते हो, 12 नेशनलाइज बैंक काम कर रहे हैं। ओके, अब इस केस में आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन अभी पूछ रहा है कि हाल ही में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ मर्ज किया हुआ ये कौन सा बैंक है जिसने अपना लोगो चेंज कर दिया है? यह है पंजाब नेशनल बैंक। तो
तो अगर वो मर्जर आपको याद होंगे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर देते, बट आपको फिर भी ध्यान रखना है पंजाब नेशनल बैंक ने अपना लोगो चेंज कर दिया है, जिसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक के भी लोगों को शामिल किया गया है, और अब इन्होंने अपनी टैगलाइन क्या कर दी है, टुगेदर फॉर द बेटर। क्या कर दी है? टुगेदर फॉर द बेटर। आपको ध्यान रखना है पीएनबी के इस टाइम पर सीईओ कौन है, ये है एसएस मल्लिकार्जुन राव, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और 1894 में पीएनबी को एस्टैब्लिश किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई, कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बैंगलोर। अगला क्वेश्चन है द टर्म ऑफ विच डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर रिसेंटली। अभी हाल ही में ये कौन से डेप्यूटी गवर्नर हैं जिनका टेन्योर एक साल और बढ़ा दिया गया है, मतलब कहने का यह है कि अगले एक साल तक और ये कार्य करेंगे अपनी पोस्ट पर। ये हैं बीपी कानूनगो। क्या नाम है? बीपी कानूनगो। ही इज वन ऑफ द डेप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई और अब ये एक साल तक और कार्यरत रहेंगे। बाय द वे इस टाइम पर आरबीआई के डेप्टी गवर्नर कौन कौन है? एमके जैन, बीपी कानूनगो और एनएस विश्वनाथन। ये तीनों डेप्टी गवर्नर है इस टाइम पर आरबीआई में। गवर्नर तो आपको पता ही है शक्तिकांत दास। Which union minister has participated in G20 trade and investment ministers meeting was held virtually? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में G20 trade and investment ministers meeting का आयोजन किया गया virtually. Virtually का मतलब समझते हैं video conferencing के थ्रू इसका आयोजन किया गया, तो इसमें भारत की तरफ से किसने participate किया? भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने participate किया, हमारे commerce minister पीयूष गोयल ने participate किया, और यही रेलवे मिनिस्टर भी हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट एक्सटेंडेड अप टू ₹3 लाख क्रॉप लोन इंटरेस्ट बेनिफिट्स टू फार्मर टिल। आपसे कह रहा है भारत सरकार ने अभी हाल ही में किसानों के लिए क्रॉप लोन इंटरेस्ट बेनिफिट के तहत ₹3 लाख तक का ऋण देने का अनाउंसमेंट किया है। कब तक के लिए, कब तक किसान इसका फायदा उठा सकते हैं? किसान इसका 31 मई 2020 तक फायदा उठा सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। विच बैंक हैज लॉन्च्ड WhatsApp banking to assist its customer to meeting in the banking needs from homes during the lockdown? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये कौन सा बैंक है जिन्होंने देश भर में लॉकडाउन के चलते एक WhatsApp banking लॉन्च करी है। इस WhatsApp banking का फायदा उठाकर आप सारी फैसिलिटीज को असिस्ट कर सकते हो इस बैंक की फोन पर ही। तो ये बैंक है ICICI बैंक। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, 1994 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इस टाइम पे ICICI के सीईओ हैं संदीप बख्शी। क्या नाम है? संदीप बख्शी। HDFC बैंक, SBI और एक्सिस तीनों के भी हेडक्वार्टर मुंबई ही है। ध्यान रहे साल 2019 में HDFC बैंक ICICI बैंक को सरपास करके भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग। विच कंट्री अज्यूम्स G20 प्रेसिडेंसी फॉर 2020? आपसे कह रहा है अभी हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट किया दूसरे संस्करण में G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग में। इस बार 2020 में G20 प्रेसिडेंसी कौन ले रहा है, कौन सा कंट्री अज्यूम कर रहा है G20 प्रेसिडेंसी को, या फिर आप ये भी बोल सकते हो इसको लीड कौन कर रहा है बेसिकली? तो इसको लीड करने वाला देश है सऊदी अरेबिया। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, भारत की आपको बताइए नई दिल्ली, यूएस की वॉशिंगटन और चाइना की बीजिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिट फॉर अ पर्सन रिसाइड इन जम्मू कश्मीर टू बिकम परमानेंट रेजिडेंस ऑफ यूटी एज पर रिवाइज्ड नॉर्म। अभी हाल ही में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रिवाइज किए गए हैं और इसके तहत आपसे कह रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेने के लिए कम से कम कितने दिन तक यहां रहना होगा। यहां पर कम से कम 15 साल रहना होगा। इसके तहत आपको बता दूं यहां पर इसके तहत हुआ क्या है ये भी आप समझ लो। सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है कि 15 साल उस व्यक्ति को कम से कम वहां पर रहता हो तभी उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी, या फिर और की कंडीशन है, या फिर 7 ईयर्स कम से कम 7 साल उसने पढ़ाई करी हो, ही और शी वॉज स्टडीड, कम से कम उसने 7 साल पढ़ाई करी हो, और साथ में इसमें ध्यान रखना है 10th और 12th की पढ़ाई शामिल होनी चाहिए, तब जाकर आपको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। और इसमें जो संशोधन किया गया है वो संशोधन किया गया है सेक्शन 3A जम्मू कश्मीर एडॉप्टेशन एंड स्टेट लॉज ऑर्डर 2020 को अमेंड करके ये रूल्स यहां पर लाए गए हैं। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये है गिरीश चंद्र मुर्मू।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द कॉम्पिटिशन टाइटल यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट द टाइम ऑफ कोरोना। आपसे कह रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अभी हाल ही में एक कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी आईसीसीआर। आईसीसीआर का मतलब इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इन्होंने इस कॉम्पिटिशन को लॉन्च किया है और इसके तहत बेसिकली पूरे वर्ल्ड भर में जो कोविड 19 के इफेक्ट हैं उन्हें बताया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। बाय द वे आईसीसीआई की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, नई दिल्ली। 1950 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इस टाइम पर आईसीसीआई सीआर के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है विनय सुहास्त्र बुद्धे। विनय सुहास्त्र बुद्धे। अगला क्वेश्चन है, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी एक्वायर्स 5.45% स्टेक इन विच कंपनी। अभी हाल ही में एचडीएफसी ने 5.45% के स्टेक कौन सी कंपनी में खरीद लिए। इन्होंने स्पाइस जेट के 5.45% स्टेक्स खरीद लिए। स्पाइस जेट की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इस टाइम पर स्पाइस जेट के सीईओ कौन है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, अजय सिंह। अजय सिंह ये विस्तारा किसकी एयरलाइन है, ये टाटा की एयरलाइन है, ध्यान रखिएगा। जेट एयरवेज के बारे में तो आपको पता ही है, जेट एयरवेज अभी डूब चुकी है, इसके ऊपर 8,500 करोड़ का लोन है SBI और पंजाब नेशनल बैंक का और एयर एशिया भारत की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटहुड डे ऑफ विच इंडियन स्टेट इज सेलिब्रेटेड एज उत्कल दिवस ऑन 1st of April। अभी हाल ही में 1 अप्रैल को हम लोगों ने इनमें से कौन सा राज्य है जिसका स्थापना दिवस मनाया, स्थापना दिवस को ही उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है, तो ये स्थापना दिवस मनाया उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की स्थापना पता है कब हुई थी, 1 अप्रैल 1936 को। और यहां पर सरकार किसकी है, यहां पर इस टाइम पर सरकार चल रही है नवीन पटनायक की। त्रिपुरा में इस टाइम पर बिप्लब कुमार देब की सरकार है, नागालैंड में नेपियर यो की सरकार है, महाराष्ट्र में आपको पता ही है शायद उद्धव ठाकरे की सरकार है, शिवसेना ने अभी कुछ टाइम पहले नई सरकार बनाई है। विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन अप्रैल 2020। आपसे कह रहा है अप्रैल 2020 में यह कौन सा देश है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी कर रहा है, मतलब अध्यक्षता कर रहा है, यह है डोमिनिकन रिपब्लिक। क्या नाम है, डोमिनिकन रिपब्लिक। और कई लोग तो इस कंट्री का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। और इसकी कैपिटल क्या है, तो आपको ध्यान रख रहा है इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। सेंटो डोमिंगो। और यहां पर करेंसी पता है कौन सी चलती है, करेंसी चलती है पीसो। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोर्सबे, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और बोलीविया की कैपिटल है सुक्रे। तो ध्यान रखना है पपुआ न्यू गिनी, पोर्ट मोर्सबे, डोमिनिकन रिपब्लिक, यह है आपका सेंटो डोमिंगो और नॉर्वे की ओस्लो और बोलीविया की कैपिटल सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2020 वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म का मतलब समझते हैं, ये एक ऐसी बीमारी होती है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति की एज तो बढ़ती चली जाती है, उसकी बॉडी भी उसी तरीके से फिजिकल ग्रोथ भी होती रहती है लेकिन मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, आप लोगों ने एक हिंदी मूवी देखी होगी जिसका नाम है कोई मिल गया, उसमें ऋतिक रोशन जिसका किरदार कर रहे हैं, ऋतिक रोशन को जो बीमारी या डिसऑर्डर दिखाया गया है वो ऑटिज्म ही है बेसिकली। तो ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है किस दिन, आपको ध्यान रखना है ये मनाते हैं 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल। और इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम थी द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। द रिपोर्ट टाइटल्ड, आपसे क्या कह रहा है, द रिपोर्ट टाइटल्ड, ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट लॉन्च करी है, इसको लॉन्च करी है अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था 1944 में। वर्ल्ड बैंक के इस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट कौन है, ये है डेविड मलपास। इस बार SSC सीजल में क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको ध्यान रखना है डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर क्या है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है Washington DC। यूनिसेफ आपका न्यूयॉर्क, WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा और AIIB का आपका हेडक्वार्टर है बीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑल प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स शुड इंटीमेट रीअपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हाउ मेनी मंथ्स इन एडवांस एज पर द न्यू स्टिपुलेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक, जितने भी भारत में प्राइवेट सेक्टर बैंक है और फॉरेन बैंक है, इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस भेजा गया कि आप लोग इस बात का ख्याल रखें कि आपको जितने भी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ को अपॉइंट करना है वो कितने टाइम पहले से आप अपॉइंटमेंट करोगे। आप 6 महीने पहले से अपॉइंटमेंट करोगे। इसका मतलब ये है, सपोज मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक के एमडी अगले 1 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, या फिर मान लो अगले 6 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं, तो 6 महीने पहले ही एचडीएफसी को अगला एमडी अपना तैयार रखना होगा, पहले से ही उसको एसोसिएट कर देना होगा, ताकि जब कोई भी एमडी या सीईओ रिटायर हो जाता है तो उस केस में फिर कई दिनों तक वो जो डेजिग्नेशन है वो रिक्त रहता है, जिसकी वजह से काम में इफेक्ट पड़ता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ये लिमिट तय करी है, 6 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट करना होगा। एज पर द रिसेंट चेंजेस इन द डायरेक्ट टैक्स सिस्टम, व्हाट इज द नंबर ऑफ द डेज एनआरआईज नीडेड टू स्पेंड इन इंडिया टू क्वालिफाई एज इंडियन टैक्स रेजिडेंट। क्वेश्चन का मतलब समझो पहले क्या बोल रहा है, परेशान मत हो, क्वेश्चन का मतलब ध्यान से समझो। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके तहत अगर कोई भी एनआरआई आया है भारत में तो अगर उसे इंडियन टैक्स रेजिडेंस के सारे बेनिफिट का लाभ उठाना है तो उसे कम से कम कितने दिन यहां पर स्पेंड करने होंगे, कम से कम उसे 120 दिन स्पेंड करने जरूरी है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, तभी वो इंडियन टैक्स रेजिडेंस के सभी लाभ उठा सकता है। इनका नाम है अर्जुन देव, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, ये एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे अर्जुन देव, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट एंडोजिनस टेस्टिंग किट ऑफ कोविड 19 इन इंडिया विच वॉज लॉन्च एट पुणे। अभी हाल ही में आपसे कह रहा है भारत में निर्मित पहली कोविड 19 की टेस्टिंग किट को लॉन्च किया गया पुणे में, तो आपसे कह रहा है इसका नाम क्या है, बेसिकली इस टेस्टिंग किट का जिसको आप देख पा रहे हो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पैथो डिटेक्ट। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको एनआईए के नाम से जाना जाता है, और एसएससी सीजीएल के थ्रू भी एनआईए में आप इंस्पेक्टर बनते हो, ये वही एनआईए है। तो एनआईए इज टू प्रोब इट्स फर्स्ट ओवरसीज केस ऑन द टेररिस्ट अटैक ऑन गुरुद्वारा लोकेटेड इन विच कंट्री। आपसे कह रहा है एनआईए पहली बार अपना ओवरसीज केस हैंडल करने जा रही है, ओवरसीज का मतलब भारत के बाहर, ये पहली बार किसी केस को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो एक कौन से देश में अभी गुरुद्वारे में अटैक हुआ है जहां पर इस टेररिस्ट अटैक को ये ऑब्जर्व करने जा रहे हैं और उसके तहत ये रिपोर्ट अपनी तैयार करेंगे, ये हुआ था अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में भारत की एनआईए जा रही है इन्वेस्टिगेट करने, और अफगानिस्तान में अभी कुछ टाइम पहले यहां पर अशरफ गनी की सरकार फिर से आ गई है, अफगानिस्तान की कैपिटल तो आपको बताइए काबुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एन इनिशिएटिव ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री व्हिच एम्स टू मेडिकल सप्लाईज अक्रॉस कंट्री वाइल लॉकडाउन। आपसे कह रहा है एक इनिशिएटिव चलाया गया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके तहत पूरे इस लॉकडाउन के सर्कमटेंसेज में पूरे भारत में कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह हवाई यात्रा के थ्रू दवाइयां पहुंचाई जा सकती हैं। इसका नाम रखा गया है लाइफलाइन उड़ान। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। और सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे कौन है, यह है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ अभी हाल ही में कौन बने हैं, इनका नाम है पराग राजा। ही हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा का हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, इसको साल 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था। ध्यान रहे साल 2019 में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस को एसोचैम नॉन लाइफ इंश्योरर अवार्ड से सम्मानित किया गया इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, और इनकी टैगलाइन क्या है, जीवन सुरक्षा का नया नजरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑनर ब्लैकमैन, क्या नाम है इनका, ऑनर ब्लैकमैन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये एक अभिनेत्री थी, कौन से देश की, ये बिलोंग करती थी ब्रिटेन से, यूके, ब्रिटिश अभिनेत्री थी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया।
रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज द विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2020। साल 2020 में विजडन लीडिंग क्रिकेटर से किसको सम्मानित किया गया, किसका नाम नॉमिनेट किया गया है विजडन लीडिंग क्रिकेटर के लिए? ये हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टॉक्स। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। और ध्यान रहे वर्ल्ड कप फाइनल 2019 में बेन स्टॉक्स मैन ऑफ द मैच थे। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली फ्रेंच इकोनॉमी हैज श्रंकन हाउ मच परसेंट इन फर्स्ट क्वार्टर। अभी पहला क्वार्टर पूरा भी नहीं हो पाया, केवल शुरू हुआ है, और इतने में ही फ्रांस की इकोनॉमी कितने परसेंट गिर गई है? फ्रांस की इकोनॉमी में पूरे 6% की गिरावट देखी गई है। और फ्रांस में इस टाइम पर सरकार किसकी चल रही है? यहां के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और आपको बता दूं फ्रांस सरकार ने यह भी यहां पर एसोसिएट किया है वर्ड, ये स्टेटमेंट इन्होंने एसोसिएट किया है कि साल 1945 से, सिंस 1945 से अभी तक का यह वर्स्ट सिनेरियो है इकोनॉमी में इनका। इतनी इकोनॉमी कभी भी नहीं गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टुक डिसीजन टू डिडक्ट 15% सैलरी ऑफ चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर एंड जितने भी एमएलएज हैं राज्य के, एक साल तक के लिए। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है, कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने फैसला लिया कि अगले एक साल तक के लिए मुख्यमंत्री, उनके मिनिस्टर और जितने भी विधानसभा के एमएलएज हैं, विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं, उन सभी की 15% सैलरी हर महीने की डिडक्ट करी जाएगी। ये राज्य सरकार कौन सी है? ये राज्य सरकार है नीतीश कुमार की। बिहार सरकार ने फैसला लिया अगले एक साल तक 15% सैलरी कटती रहेगी। बिहार में इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये हैं फागु चौहान। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? ये हैं गणेशी लाल। उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। और गुजरात में अभी कुछ टाइम पहले नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं आचार देवव्रत। ध्यान रहे आचार देवव्रत संस्कृत लैंग्वेज में ओथ लेने वाले चीफ मिनिस्टर हुए हैं साल 2019 में। गुजरात गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड विच सिटी एज बफर जोन वाइल कोविड 19 इफेक्ट। आपसे कह रहा है कोरोना वायरस केसेस के चलते गुजरात सरकार ने कौन से शहर को बफर जोन अपना डिक्लेयर कर दिया है, पूरे तरीके से लॉकडाउन कर दिया, 100% लॉकडाउन, मतलब बफर जोन डेवलप कर दिया है इस शहर को। यह है अहमदाबाद। साथ में इसमें 30 चेक पोस्ट भी स्थापित करी गई है। 30 चेक पोस्ट लगाई गई है जहां पर पुलिस का एक काम है कि लगातार लोगों को चेक कर रही है और एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी कीमत पर पास आउट ना होने दिया जाए। विच स्टेट्स खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड सप्लाइड 21,000 मार्क्स टू इंडियन आर्मी कॉमा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड कोविड वॉलंटियर्स। क्वेश्चन का मतलब समझो क्या बोल रहा है, कह रहा है ये कौन सा राज्य है जिसके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने 21,000 मास्क की सप्लाई करी है इंडियन आर्मी के लिए, बीएसएफ के लिए और जितने भी वॉलंटियर, जैसे कि हेल्थ स्टाफ से जुड़े हुए लोग हैं या फिर मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के लिए 21,000 मास्क बनाकर दिए हैं। यह है जम्मू कश्मीर। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर की खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने 21,000 मास्क दिए हैं अभी हाल ही में। यहां पर गिरीश चंद्र मुर्मू की सरकार है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च 13 कोविड हॉस्पिटल एंड 3 लाख रैपिड टेस्टिंग किट फॉर कोविड। कोरोना वायरस के चलते ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने 13 कोविड हॉस्पिटल की स्थापना करी है और साथ में 3 लाख रैपिड टेस्टिंग किट भी इन्होंने लॉन्च कर दी है। मतलब 3 लाख टेस्टिंग किट है इनके पास, 3 लाख लोगों की तो टेस्टिंग हो ही सकती है कम से कम, और साथ में 13 हॉस्पिटल भी इन्होंने ऐसे बना दिए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोविड के ही केसेस देखे जाएंगे, इसके अलावा और किसी भी पेशेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी, स्पेशली कोविड के लिए डिजाइन कर दिया है। यह है वाईएस जगमोहन रेड्डी की सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार। यहां पर गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। कर्नाटक में बी एस येदुरप्पा की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज बिकेम फर्स्ट टू स्टार्ट होम डिलीवरी ऑफ FIR फॉर वायलेटिंग लॉकडाउन कंडीशन। यह कौन से राज्य की पुलिस है जो कि भारत में पहली ऐसी पुलिस बनी है जिन्होंने घर पर FIR भेजना स्टार्ट कर दिया है? अगर आप यहां पर लॉकडाउन की कंडीशन को वायलेट करोगे, जानबूझकर अगर आप घर से बाहर निकलोगे, तो पुलिस आपके घर में FIR भेज रही है यहां पर। यह है उत्तर प्रदेश। बाय द वे उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य था। उत्तर प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? यह था मुजफ्फरनगर।
मुजफ्फरनगर में पहली बार ऐसा किया गया था, और उसके बाद अब मध्य प्रदेश भी दूसरा राज्य बन चुका है जहां पर भी पुलिस इसी तरीके से एफआईआर कि आपकी होम डिलीवरी कर रही है, आपके घर में एफआईआर भेज रही है। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड 5T प्लान फॉर कोविड-19? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिन्होंने 5T प्लान लॉन्च किया है कोरोना वायरस केसेस के लिए? ये 5T प्लान लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। 5T का मतलब यहां पर क्या है? पहला टी है टेस्टिंग, दूसरा टी है ट्रेसिंग, तीसरा है ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क और पांचवा है ट्रैकिंग। टेस्टिंग के जरिए टेस्ट किया जाएगा, अगर पॉजिटिव निकलता है तो उसके बाद ट्रेसेस लिए जाएंगे प्रॉपर, उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ट्रीटमेंट के तहत टीम वर्क को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद फिर से ट्रैकिंग करी जाएगी कि क्या कंडीशन है। इस 5T प्लान को लॉन्च किया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू लेफ्टिनेंट गवर्नर है और गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट शिपमेंट ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस? आपसे कह रहा है कोरोना वायरस की क्राइसिस के चलते जो भी शिपमेंट्स वगैरह आपके आ रहे हैं अगर बाहर से, मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह अगर आप करते हो, तो आपके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कौन से मिनिस्ट्री ने? यह है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए जारी किया है। देखो आप इस टाइम पर अगर आपका कोई भी माल बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो आप पोर्ट एरिया में तो जा नहीं सकते, हर जगह पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आपके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आपके जो शिपमेंट चालान है आप उनको अपलोड कर दीजिए, साथ में उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आप उसमें अपलोड कर दीजिए, भारत सरकार आपका जितना भी शिपमेंट है वो रिसीव कर लेगी पोर्ट पर। बात आई समझ? और ये लॉन्च किसने किया है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड समाधान ऑनलाइन चैलेंज फॉर कोविड-19 इफेक्ट? आपसे कह रहा है यह कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने समाधान ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया है कोविड-19 के कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए? यह है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने समाधान ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया है। अब देखो ये बेसिकली है क्या, इसके लिए 14 अप्रैल तक का लास्ट लास्ट डेट दी गई है। इसके तहत भारत सरकार ने पूरे भारत में सभी स्टूडेंट से, वॉलंटियर से और रिसर्चर से, सभी से अपील करी है कि अगर कोविड-19 के की रोकथाम के लिए आपके पास कोई भी इनोवेटिव आइडिया है तो आप यहां पर जाके समाधान पोर्टल पर जाकर इसको आप शेयर करिए और आपको अप्रिशिएट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। इसके लिए आखिरी डेट दी गई है 14 अप्रैल, और मिनिस्टर ऑफ एचआरडी इस टाइम पर कौन है? यह है रमेश पोखरियाल। बात आ गई समझ? समाधान ऑनलाइन चैलेंज का क्या मतलब है। Which state police has launched a mobile app? ये कौन सी राज्य पुलिस है जिन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इस मोबाइल ऐप का नाम है रक्षा सर्व फॉर कोविड क्वारंटाइन। ऐसे लोग जिन्हों कोरोना वायरस पॉजिटिव के चलते क्वारंटाइन किया गया है। देखो बहुत सारे ऐसे केसेस है भारत में जिनके ऊपर शक है या फिर उनमें सिम्टम्स पाए गए हैं, अभी उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाई है, और या फिर वो कोविड पॉजिटिव पा लिए गए हैं। दोनों ही तरीके के लोगों को क्वारंटाइन किया गया है पुलिस की देखरेख में। अब इस केस में पुलिस ने एक रक्षा सर्व नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इसके तहत ये जो क्वारंटाइन पीपल हैं, इनको बोला गया है कि ये मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसके तहत गूगल मैप के थ्रू इनकी लोकेशन पुलिस हमेशा देखती रहेगी कि अपने घर पे हैं या नहीं है। दूसरी चीज, इसके तहत ये भी ऑप्शन दिया गया है कि हर एक घंटे में आप अपनी सेल्फी भी लेकर भेज सकते हो। तो ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। बाय द वे, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ये अपने आप ही इनोवेट नहीं किया है, इन्होंने एक कंपनी की मदद ली है। इस कंपनी का नाम है मॉप कोडर। मॉप कोडर एक स्टार्टअप कंपनी है, इसकी मदद से इन्होंने रक्षा सर्व नाम का ऐप लॉन्च किया है। बात आ गई समझ क्या पूरा मुद्दा है इसके पीछे? छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ टाइम पहले नई गवर्नर अपॉइंट करी गई है, इनका नाम है अनसुईया उइके। अनसुईया उइके। रिसेंटली 3 हाईकोर्ट जजेस एडमिनिस्टर्ड ओथ इन विच हाईकोर्ट? अभी हाल ही में यह कौन सा हाईकोर्ट है इन चारों में से जिसमें एक साथ 3 नए हाईकोर्ट जजेस को अपॉइंट किया गया है? यह है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जस्टिस संजय धार, जस्टिस वीसी कॉल और जस्टिस पुनीत गुप्ता
इन तीनों को एक साथ अपॉइंट किया गया है। और बाय द वे इन तीनों को शपथ दिलाई चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, और ये इस टाइम पर कौन है, ये है गीता मित्तल, गीता मित्तल ये चीफ जस्टिस है। यहां पर ध्यान रहे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंडर में ही जो नई यूटी हमारी बनी है लद्दाख, इसके भी सारे केसेस मॉनिटर किए जाएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू एस्टैब्लिश टेस्टिंग लैब ऑफ कोविड-19 इन हेडक्वार्टर्स ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट, कौन सी ये राज्य सरकार है जिन्होंने यह फैसला लिया है कि अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब के हेडक्वार्टर में एक एक कोविड-19 टेस्टिंग लैब की स्थापना करेंगे। ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार, इन्होंने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हेडक्वार्टर हैं उन सभी में कोविड-19 टेस्टिंग लैब को एस्टैब्लिश किया जाएगा। और बाय द वे आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अभी तक कोविड-19 पॉजिटिव 300 से ज्यादा लोग पाए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, आंध्र प्रदेश में YS जगमोहन रेड्डी की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ चुकी है अभी नई। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव ₹2,000 टू ऑल हु बिलोंग्स टू स्टेट एंड स्ट्रैंडेड आउटसाइड वाइल कोविड-19 लॉकडाउन। क्वेश्चन का मतलब अगर नहीं समझ आया तो समझो हिंदी में क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इस राज्य के ऐसे लोग जो कि लॉकडाउन के चलते अपने राज्य से बाहर फंस गए हैं उनके अकाउंट में ₹2,000 भिजवाए जाएंगे। ये कौन सी राज्य सरकार है, यह है बीरेन सिंह की सरकार, मणिपुर सरकार ने फैसला लिया है। इसके लिए इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, यह पोर्टल है tengbank.in, यहां पर जाकर आप इस प्रोसेस को लॉग इन कर सकते हो और उसके बाद इस फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हो। आप जहां पर भी होगे आपके अकाउंट में बीरेन सिंह की सरकार के द्वारा ₹2,000 की वित्तीय सहायता भेज दी जाएगी। असम में सर्वनंदा सोनवाल की सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹50 लाख फॉर पुलिस एंड हेल्थ स्टाफ वाइल कोविड-19। आपसे कह रहा है यह कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने ₹50 लाख का इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा करी है अपनी पुलिस और जितना भी मेडिकल स्टाफ है उन सभी को। यह है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, ठीक है। और यहां पर गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। आंध्र प्रदेश में YS जगमोहन रेड्डी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। वी हैव ऑब्जर्व वर्ल्ड हेल्थ डे ऑन विच डेट, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोगों ने किस दिन मनाया, यह मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड हेल्थ डे। क्रिकेटर जॉक एडवर्ड, नाम क्या है इनका, जॉक एडवर्ड, अभी हाल ही में जॉक एडवर्ड का निधन हो गया। कौन से देश के खिलाड़ी थे ये, ये खिलाड़ी थे न्यूजीलैंड के, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। 4 टेस्ट इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से खेले थे, बहुत ज्यादा तो नहीं है बट हाँ इंटरनेशनल क्रिकेटर का ओहदा रखते थे। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ध्यान रहे न्यूजीलैंड साल 2019 और 2015 दोनों क्रिकेट वर्ल्ड कप में रनर अप रहा है, 2015 में ऑस्ट्रेलिया से हारा और 2019 में इंग्लैंड से हारा। इनका नाम है मोहम्मद जिब्रिल, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, मोहम्मद जिब्रिल साहब का निधन हो गया। ये प्रधानमंत्री थे कौन से देश के, ये प्रधानमंत्री थे लीबिया के, लीबिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद जिब्रिल का अभी हाल ही में निधन हो गया। साथ में आपको ध्यान रखना है इनका जो निधन हुआ है ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, तो इस वजह से क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। लीबिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल है त्रिपोली। ईरान की कैपिटल है तेहरान। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद। अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम। नेस्कॉम स्टैंड्स फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो अभी हाल ही में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है प्रवीण राव, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और बाय द वे आपको बताऊं प्रवीण राव कहां से आए हैं ट्रांसफर होकर, ये इंफोसिस में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की पोस्ट पर थे, तो अब वहां से इंफोसिस छोड़कर ये नेस्कॉम ज्वाइन कर चुके हैं। और नेस्कॉम का हेडक्वार्टर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजिटल डैशबोर्ड रियल टाइम डेटा ऑन कोविड-19 हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। आपसे कह रहा है डिजिटल डैशबोर्ड रियल टाइम डेटा
ऑन कोविड-19। अभी हाल ही में इसको इनॉग्रेट किया गया है। कौन से शहर में इसको इनॉग्रेट किया गया है? बेंगलोर में। अब जिन लोगों को नहीं पता है डिजिटल डैशबोर्ड रियल टाइम डेटा फॉर कोविड-19 है क्या, तो आपको बता दूं ये एक डिजिटल इंटरफेस है जिसके तहत पूरे भारत में रियल टाइम डेटा आपको दिखाया जाएगा कोविड-19 के केसेस का। मतलब कहने का कि हर एक सेकंड इसको अपडेट किया जाएगा। ये सेकंड सेकंड की आपको खबर देगा कि पूरे देश में कितने केसेस दर्ज किए गए हैं, कितने क्वारंटाइन में हैं, कितनों की हालत सही हो गई है जो रिकवर हो गए हैं, और कितनों की मृत्यु हो गई है। ये सारी चीजें आपको वन टाइम डेटा शो करेगा डिजिटल डैशबोर्ड कोविड-19। कहां पर? बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ट्रांसफर्ड ₹1 लाख, आपसे क्या कह रहा है, 1 लाख टू ईच माइग्रेंट वर्कर्स अकाउंट। यहां पर माफ करिएगा, ₹1 लाख नहीं है, 1,000 इसको कर लीजिए, 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता, माफ करिएगा, 1 लाख ही हटा दीजिए, ₹1,000 कर लीजिए इसको। ओके, तो आप फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने 1-1,000 रुपए हर एक माइग्रेंट वर्कर के अकाउंट में भेज दिए हैं? ऐसे वर्कर्स इस राज्य के जो कि नेशन लॉकडाउन के चलते बाहर के राज्यों में फंस गए हैं। ये है नीतीश कुमार की सरकार। बिहार सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, इन्होंने 1,000 रुपए अपने हर उस माइग्रेंट वर्कर के अकाउंट में भेज दिए हैं जो कि लॉकडाउन के चलते बाहर फंस गए हैं। यहां पर सरकार किसकी है? नीतीश कुमार, और गवर्नर है फागू चौहान। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंस्टॉल्ड कोविड वॉक इन सैंपल कियोस्क। कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने कोविड वॉक इन सैंपल कियोस्क लॉन्च किया है? ये राज्य सरकार है पिनाराय विजयन की। केरल सरकार ने अभी इसको लॉन्च किया है, और केरला के गवर्नर कौन है? ये इस बार एसएससी सीजल में क्वेश्चन पूछा गया था। ये है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, ये आप देख रहे हो कियोस्क वॉक इन सैंपल, कोविड वॉक इन सैंपल कियोस्क है। इसके तहत आप देख रहे हो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें देखिए ग्लास फ्रेम है, साथ में केवल हाथ निकालने की जगह दी गई है। इसमें जो पर्टिकुलर बंदा होगा जो टेस्ट करेगा वो इस तरीके से हाथ ग्लव्स के अंदर डालेगा, और इस तरीके से बाहर बैठे बंदे को टेस्ट किया जाएगा। बात आ रही है समझ? तो ये बहुत ही सेफ एंड जेन्युइन कियोस्क इंस्टॉल किया है केरल सरकार ने अभी हाल ही में। ओके, साथ में इसकी एक और खास बात है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया भी जा सकता है, ये पोर्टेबल है। ठीक है, जैसे कैनोपी वगैरह नहीं लगते हैं रोड पे कहीं पर भी किनारे लगा दिए गए, उसी तरीके से इसको भी कहीं पर भी ले जाकर लोगों की टेस्टिंग करी जा सकती है। और उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है, तमिलनाडु में ईके पलानी स्वामी की सरकार है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है। यूएनएससी आपसे कह रहा है, अभी हाल ही में यूएनएससी ने पहली मीटिंग कोविड-19 के लिए ऑर्गेनाइज करी है। कौन सी डेट में यूएनएससी ने पहली मीटिंग अब जाकर ऑर्गेनाइज करी है कोविड-19 के लिए, वो भी कौन सी डेट में? इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कल के दिन 9 अप्रैल को, और यूएनएससी का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। इसको 1945 में स्टैब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू स्पोक्स पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए स्पोक्स पर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किए गए हैं अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव ने किसको सक्सीड किया? रवीश कुमार को इन्होंने सक्सीड किया। इससे पहले हमारे स्पोक्स पर्सन थे एक्सटर्नल अफेयर्स में रवीश कुमार। बाय द वे, अनुराग श्रीवास्तव 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस टू अमेंड विच एक्ट एंड रिड्यूस द 30% सैलरी ऑफ एमपीज फॉर 1 ईयर वाइल कोविड इफेक्ट। आप लोगों ने न्यूज में तो सुनी लिया होगा कि भारत सरकार ने फैसला लिया है कि पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज हैं सबकी सैलरी 30-30% काटी जाएगी अगले 1 साल तक। ये 1 अप्रैल से लेवाई हो चुका है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 तक जितने भी एमपीज हैं उनको 70% सैलरी ही मिलेगी। ये कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से ऐसा किया गया है। तो अब सवाल ये है कि भारत सरकार ने कौन सा अमेंडमेंट किया है, किस एक्ट में अमेंडमेंट इन्होंने किया है? अलाउंस ऑफ एमपी एक्ट, कौन से एक्ट को इन्होंने अमेंड किया है? तो आपको ध्यान रखना है अलाउंस ऑफ एमपी एक्ट 1954 को इन्होंने अमेंड किया है, और जिसके तहत ये 30% सैलरी डिडक्ट कर दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसी के तहत भारत सरकार ने 7,900 करोड़ रुपए बचाकर कंसोलिडेटेड फंड में ट्रांसफर कर दिए। तो आप समझ सकते हो
7,900 करोड़ रुपए इससे बच चुके हैं और कंसोलिडेटेड फंड में चले गए। विच यूनिट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैड असेंबल रोल आउट मॉडिफाइड टेंट्स फॉर कोरोना वायरस पेशेंट। आगे आने वाली सिचुएशन की रोकथाम के लिए कोरोना वायरस पेशेंट के लिए इस तरीके के टेंट्स, रोल आउट टेंट्स अभी हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कौन सी यूनिट ने बना दिए हैं? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की कानपुर यूनिट ने बना दिए हैं इस तरीके के रोल आउट मॉडिफाइड टेंट्स। और इनकी खास बात यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने यह भी अनाउंस किया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 30% सस्ते रेट पर भारत सरकार को ये टेंट देगी। ओके, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हेडक्वार्टर है कोलकाता, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1712 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर विल बी ऑनर्ड विद पेटा इंडिया अवार्ड। आपसे कह रहा है ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनको पेटा इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ये है नवीन पटनायक, उड़ीसा की सरकार जिनके हाथ में है नवीन पटनायक, इनको है हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये क्यों सम्मानित किया जाएगा इनको? क्योंकि अभी हाल ही में इन्होंने 54 लाख रुपए फीड एनिमल फंड में दे दिए। बात आ रही है समझ? तो जितने भी जानवर हैं बाहर हमारे स्ट्रीट वगैरह में, उनको फीडिंग के लिए 54 लाख रुपए अभी इन्होंने आवंटित कर दिए हैं। इस वजह से इनका नाम नॉमिनेट हो गया है पेटा इंडिया अवार्ड के लिए, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है, COVID-19 के चलते आपके घर के आसपास जितने भी जानवर वगैरह हैं, स्पेशली जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इनकी आप लोग देखभाल जरूर करें। कुछ नहीं तो इन्हें दिन में एक पैकेट पार्ले जी का बिस्किट ही खिला दें, 5 रुपए का आता है केवल। आप उन्हें कुछ भी खिलाते रहेंगे तो उनकी जान बची रहेगी, वो किसी भी तरीके से सर्वाइव कर जाएंगे। क्योंकि इस टाइम पर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये बेचारे भूखे प्यासे हैं, बाहर कुछ भी नहीं है। अपने घर के बाहर कम से कम एक बड़ा सा बर्तन रख दें, बर्तन क्या बड़ी सी बकेट वगैरह रख दें और उसमें पानी भर दिया करें, क्योंकि समर आ चुकी है। और साथ में थोड़ा बहुत जितना भी आपके घर में बच रहा है एटलीस्ट वही बाहर रख दें, एक लहजे से रख दें, सही तरीके से रख दें। कभी भी खाने को कूड़े में मत डालें, क्योंकि जानवर तो जानवर है, वो भी कूड़े से निकाल कर कैसा खाएगा। हमेशा इन चीजों को सही जगह पर और साफ जगह पर रख दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स फॉर COVID-19 इन विच फैक्ट्री। आपसे कह रहा है अभी भारतीय रेलवे ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स बना दिए हैं COVID-19 के लिए, कौन सी फैक्ट्री में इंडियन रेलवे ने इनको बनाया है? इंडियन रेलवे ने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में लो कॉस्ट वेंटिलेटर बना दिए हैं। एक वेंटिलेटर की कॉस्ट 10,000 रुपए पड़ेगी। ओके, तो कौन सी फैक्ट्री में बने हैं? फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। अगला क्वेश्चन है, SCL टेक्नोलॉजीज हैज सेट अप अ COVID-19 कंट्रोल सेंटर इन विच सिटी। SCL टेक्नोलॉजी ने अभी हाल ही में COVID-19 कंट्रोल सेंटर की स्थापना करी है कौन से शहर में? इन्होंने नोएडा में इसकी स्थापना करी है। बाय द वे, SCL का हेडक्वार्टर भी नोएडा है। और SCL की अगर बात करें तो इसको 1976 में एस्टैब्लिश किया गया था। SCL के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये हैं श्री विजय कुमार। अब देखो ये है क्या, बेसिकली COVID-19 कंट्रोल सेंटर है क्या? इसके तहत SCL टेक्नोलॉजी आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा COVID-19 से रिलेटेड। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको ये रिस्पॉन्स करेंगे। तो आप बोल सकते हो रिस्पॉन्स ऑफ क्वेरीज सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके तहत इन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। ये है वो टोल फ्री नंबर, 1841-92211। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोब ब्रायंट, क्या नाम है? कोब ब्रायंट। अभी हाल ही में इनको बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 के लिए सिलेक्ट किया गया है। जिस तरीके से क्रिकेट में हॉल ऑफ फेम होता है ना, अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को 2019 में सम्मानित किया गया था, उसी तरीके से बास्केटबॉल में भी होता है। तो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम 2020 के लिए कोब ब्रायंट को सम्मानित किया गया है। कौन से देश के खिलाड़ी हैं? ये अमेरिकन खिलाड़ी हैं। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। घाना की कैपिटल क्या है? अक्र। और कंबोडिया की कैपिटल क्या है? कंबोडिया की कैपिटल है फ्नोम पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व नेशनल मैरीटाइम डे ऑन विच डेट। नेशनल मैरीटाइम डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? ये हम लोगों ने मनाया 5 अप्रैल को। हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर साल 24 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम 24 सितंबर, नेशनल मैरीटाइम 5 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सेफ टनल, इसको बोलते हैं वी सेफ टनल। ये देखिए, ये
अभी हाल ही में इसको इंस्टॉल किया गया है कौन से राज्य में कोविड-19 से प्रोटेक्शन के लिए? इसको इंस्टॉल किया गया है तेलंगाना में। इसकी खास बात आपको बताऊं, इसको सरकारी महकमों के बाहर लगा दिया गया है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, हर किसी को इसके अंदर से गुजर के निकलना है। इसके अंदर आपको 20 सेकेंड तक खड़े रहना है। चारों तरफ से आपको सैनिटाइज कर देगी ये टनल, ठीक है? किसी भी तरीके का जम्स आपकी बॉडी या आपके कपड़ों पर नहीं रह पाएगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। वी सेफ टनल इन्होंने लॉन्च किया है। 20 सेकेंड तक आपको इसके अंदर रहना है और आप प्रॉपरली सैनिटाइज हो जाएंगे। आते जाते आपको ऐसे ही जाना है इसी के अंदर से होकर। रिसेंटली अ टाइगर एट विच जू हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस। आपसे कह रहा है पूरे वर्ल्ड में ये कौन सा जू है जहां पर एक टाइगर अभी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है? ये है ब्रॉन्स्क जू। ब्रॉन्स्क जू कहां का है? ये न्यूयॉर्क का जू है। यहां पर एक चीता अभी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। अराउंड हाउ मच पुअर विल बी एलिजिबल फॉर फ्री कोविड-19 टेस्टिंग अंडर आयुष्मान भारत स्कीम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च करी गई पिछले साल की आयुष्मान भारत स्कीम के तहत कितने पुअर हैं जो कि एलिजिबल होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग के लिए? तो भारत सरकार का कहना है पूरे भारत में 50 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इसका लाभ मिलेगा। वो कोविड-19 की टेस्टिंग फ्री में करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव सेलिब्रेटेड महावीर जयंती ऑन विस डेट। आपसे कह रहा है महावीर जयंती अभी हाल ही में हम लोगों ने किस दिन मनाई? महावीर जयंती हम लोगों ने मनाई थी 6 अप्रैल को। और लॉर्ड महावीर या वर्धमान महावीर जिनको बोलते हैं, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 599 बिफोर क्राइस्ट में। और आपको पता है जैन धर्म के चार प्रिंसिपल्स में से चौथा प्रिंसिपल, सॉरी पांच प्रिंसिपल्स में से जो पांचवा और आखिरी प्रिंसिपल है वो इन्होंने ही दिया है। और ये प्रिंसिपल क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना इनका कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ मंगल पांडे। रेवोल्यूशनरी मंगल पांडे की अभी हाल ही में कौन सी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई पूरे भारत भर में? 163वीं डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी गई। 163वीं क्यों? क्योंकि इनका देहांत कब हुआ था? इनको फांसी हुई थी 1857 में। कौन सी डेट में? 8 अप्रैल में। 1857 की जो क्रांति है वो इन्हीं के नाम से तो जानी जाती है, मंगल पांडे क्रांति के नाम से। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 19 जुलाई 1827, ठीक है? तो 30 साल की उम्र में इन्हें फांसी हो गई थी। 8 अप्रैल से पहले 6 अप्रैल को इनका कोर्ट मार्शल हुआ था। और इन्होंने रिवोल्ट किस दिन किया था? इन्होंने विद्रोह किया था 29 मार्च को। ओके, ये कौन सी एनआई के सोल्जर थे? ये 34वीं एनआई के सोल्जर थे, इन्फेंट्री राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू बोरो हाउ मच लाख करोड़ इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-21 टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ कोविड-19। आपसे कह रहा है भारत सरकार के द्वारा कितना ऋण लिया जा रहा है 2020 से 21 के फर्स्ट हाफ में? भारत सरकार 4.88 लाख करोड़ रुपए ले रही है बोरो के तौर पर। ओके, और बाय द वे आपको बता दूं, जितनी बोरोइंग टारगेट था 2021 तक के लिए उसका 62% है। तो क्योंकि नीड ऐसी आ पड़ी है, कोरोना वायरस क्राइसिस से हर एक कंट्री, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, इसके तहत भारत सरकार को जरूरत पड़ गई है कि 4.88 लाख करोड़ अभी भारत सरकार बोरो करेगी पहले ही हाफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हाउ मच पीपल कुड बी ड्राइवन इनटू पॉवर्टी इन ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक एज द रिजल्ट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक। आपसे कह रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में बोला है कि कोरोना वायरस की जो ये कंडीशन चल रही है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड भर के मार्केट में स्लोडाउन आएगा, तो इसके तहत ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे? इनका कहना है 11 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे इसके तहत चले जाएंगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? यह है डेविड मलपास। अभी एक वीडियो में और लॉन्च कर सकता हूं इसके लिए। साथ में आपको एक चीज और बता दूं, 28 मार्च तक के करंट अफेयर उधर मैंने करा दिए थे, 29, 30 और 31 मार्च, इन तीन दिनों के अभी जो करंट अफेयर हैं वो भी मैं एक वीडियो में दे दूंगा। तो एक वीडियो और लॉन्च करूंगा जिसमें 29, 30 और 31 मार्च के करंट अफेयर आपको दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बाकी कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर रहूं मैं करंट अफेयर में। अन अकेडमी पर थोड़ा सा बिजी था। 15 अप्रैल से एक नया कोर्स आ रहा है 5 दिन बाद, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का, जहां पर रेगुलर कोर्स मैं कराऊंगा करंट अफेयर स्टैटिक जीके का। आप लोग इस रेफरल कोड का यूज करके अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके तहत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।